शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। अब शर्म कौन करेगा, डूब कौन मरेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल उठ के ये आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम का चाबी किसके पास है। जितने भी एग्री स्टूडेंट्स है वो कह रहे हैं कि किसी के पास नहीं है तो डेफिनेटली सीएमओ के पास तो होगा ही। चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इतना बड़ा रैली होने के बाद सीएम साहब बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, आप लोग इसमें ध्यान मत दीजिए, ऐसे सुनने में आप किस बेसिस में ये बात कर रहा है सीएम साहब? देखिए, आप जब ऐसा स्टेटमेंट दिया उसी शाम को निप्पोन नाबम सर का एक क्लेरिफिकेशन स्टेटमेंट आता है, उसको मैं लिंक कराऊंगा कि सीएम तक कैसे आता है। देखिए, सीएम ये जो चेयरमैन है और जो ये मेंबर ऑफ द एपीपीएससी है, हु आर दे, वो कहाँ से आता है लोग, आप लोग को पता है? ये दे आर द पॉलिटिकली अपॉइंटी, वो लोग क्या कोई एग्जाम का थ्रू से आता है? आर एपीपीएससी गोइंग टू कंडक्ट एन एग्जाम फॉर चेयरमैन? ऐसा नहीं है। वो लोग का अपॉइंटी कहाँ से होता है? दे आर पॉलिटिकली लिंक, पॉलिटिकली दे आर अपॉइंटी। तो ये लोग कैसे करता है जब एपीपीएससी अभी इसके में इतना बड़ा हो गया? तो नाबम निपोर कहता है कि उसको मालूम नहीं था, बोल रहा है। तो अभी आप मालूम नहीं था क्या, उसमें कोई आपको क्या वो बेहोशी का कोई दवाई दे दिया था कि आपको कुछ भी मालूम नहीं था? राइट, नाउ कम्स टू द सीएम साहब। सीएम साहब देखिए, ये जो है स्ट्रॉन्ग रूम का जो कंसेप्ट है ना, अभी हम लोग को पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग रूम में भी आपका पास भी एक चाबी था। विदाउट द परमिशन ऑफ सीएमओ स्ट्रॉन्ग रूम का ताला कभी नहीं खुल सकता है, ये हम कैसे दावे का साथ कह सकते हैं? क्योंकि ऑल द अपॉइंटीज, ऑल द मेंबर्स, ऑल द चेयरमैन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद यू, दे आर अंडर योर एम्बिट्स, आपके इशारे पे वो लोग करता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा खुलेगा कि नहीं, बंद होगा कि नहीं, आप उसको इनडायरेक्टली डिक्टेट करता है। ओके, दूसरा चीज, आप जो इतना लूज, आप हम ये बोलेगा बहुत लूजली ये केस को ले रहा है, या मैं ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को आप नहीं समझ रहा है, इट कम्स अंडर सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस। हम बार बार बोल रहे हैं कि इट डजन, जो ये स्कैम हो रहा है ना बहुत लाइटली जो ले रहा है ना, इट डजन कम अंडर ओनली इकोनॉमिक ऑफेंस, इट ऑल्सो कम्स अंडर सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस एंड ऑल्सो इट कम्स अंडर पीसीए एक्ट, पीसीए एक्ट का अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि यू मिस यूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिस का इतना बड़ा मिस यूज हुआ है आपके रहते हुए, और आप बोलता है कि आप इसको ध्यान मत दीजिए। और दूसरा सवाल देखिए, पब्लिक हो या मेरा मीडिया फ्रेंड्स, ये समझना है कि जितना भी अरेस्ट हुआ है ना, आप सोच रहा होगा कि SIC काम कर रहा है, CBI काम कर रहा है, ये नहीं है। क्लियरली हम लोग बता देगा, दीज आर बिकॉज ऑफ ग्यामर पादंग, एंड जस्ट लाइक ग्यामर पादंग जो है जो किया है उसका बाकी एक्सपीरियंस लोग का जो अंदर का आत्मा जाग गया, इस बार अवेक हो गया है कि चुप नहीं बैठना है बोल के, दे आर द गिविंग द इनपुट्स, दे आर गिविंग द एविडेंस। अभी आते रहेगा, नेक्स्ट वेब और एक आएगा, लिस्ट ऑफ जितना भी चोर लोग है ना, नेक्स्ट टाइम अरेस्ट होते ही जाएगा, हर दिन होगा, ये हम दावे का साथ कह सकते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि एग्जाम को ध्यान मत दो बोल के? हम लोग चुप बैठेगा तो ये आपका SIC इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेगा? पार्शल इन्वेस्टिगेशन होगा, हम लोग चाहते हैं कि इम पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो, इसलिए वी द एक्सपीरियंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट।